और जो के साथ साथ ठीक हो ना। तो आज के इस वीडियो में नया चैप्टर चालू करेंगे, चैप्टर का नाम है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन वॉल्यूम 1 जेडब्ल्यू में। ओके, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि आपने 11th में चैप्टर पढ़ा है लाइन स्ट्रेट लाइन, फिर आपका जो पढ़ा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चीज ज्योमेट्री, लोकस, इन चैप्टर को मिलाकर ये चैप्टर बनाया गया है। ऊपर चुके ऑलरेडी आप लोग, स्टार्ट करते हैं। इन द डिस्टेंस क्या बोल रहा है, डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन द पॉइंट्स, ये और ये, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, एट हमको दिया हुआ है, हमको फाइंड करना होगा डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट में, डिस्टेंस कितना दिया आप लोग को, एट दिया है। तो बताओ ए की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल बात है, अब डिस्टेंस दिया मतलब क्या लगाने का, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने का, सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम होगा आप लोग को, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, डिस्टेंस दिया है ऑलरेडी, कितना दिया है 8। अब कोऑर्डिनेट किसको मानेंगे, इनका डिस्टेंस निकालना है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, इसको x1 y1 मानता हूं, इसको x2 y2 मानता हूं, वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, इसको x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, पर मैंने ऐसे मान लिया। ओके, एंड द सेम है अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 कौन है 8 माइनस x1 कौन है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 वैल्यू कितनी है 2, y1 कितना है 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 8। क्या है वो लोग अंडर रूट, हां अंडर रूट भगाएं, कैसे भगाएंगे, अंडर रूट स्क्वायरिंग कर लेंगे, तो 8 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 64, यहां से रूट भाग गया बचा क्या a माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 4 इज माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा प्लस 4। ओके, प्लस 4 वहां जाके माइनस होगा, तो वहां जाके 64 से माइनस करेंगे 60 हो जाएगा, यानी a माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60, स्क्वायर भगाने तो उधर रूट लेंगे तो आएगा a माइनस 3, 60 का रूट होता है 2 रूट 15, 60 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 15, 4 का रूट निकल आएगा 2, कुछ आप लोग चैप्टर था लोकस सर्किट चैप्टर था, बेटर के चैप्टर था, आपको ट्वेल्थ में उसके ऊपर है। इफ सी इज अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट, सी एक पॉइंट है इसके ऊपर लाइन सेगमेंट, डायग्राम भी दिखाता हूं यहां पर करके आपको, देखो ये लाइन सेगमेंट है, इसका नाम क्या है ए बी, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी यहां पे होगा नहीं हो सकता है, मान लो यहां ले लेता हूं सच दैट, इस तरह की ए सी क्या है 2 टाइम्स ऑफ बी सी, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, अगर आप ए सी इज इक्वल टू क्या दिया है ट्वाइस ऑफ बी सी, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो AC upon BC बराबर 2 लिख सकते हो, तो इसको 2 नहीं हम लोग 2:1 पकड़ेंगे चलेगा। अब आप लोग देख सकते हो ये 12th में आपने किया है, ये इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन टॉपिक पे चला गया है, देख सकते हो A AC BC में कॉमन कौन सा पॉइंट है C, यानी C क्या कर रहा है AB को डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है इंटरनली, इंटरनली मतलब बीच में है ना, उसने क्या बोला है AB के बीच में C है, बीच में मतलब वो इंटर डिवाइड कर रहा है, और बाहर बोला तो एक्शन होता है, तो देखो AC और BC में कॉमन क्या है C, यानी C डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली, कितने रेशियो में 2:1, तो इंटरनली का फार्मूला आपको पता होगा, मैं लिखकर दिखाता हूं यहां पर, x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n, और y कोऑर्डिनेट का फार्मूला है y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n, ये आपने पढ़े 9th स्टैंडर्ड में। ओके, तो हम लोग क्या करना है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ये जो बीच वाला पॉइंट है इसका हम कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले मुझे ए और बी को दिया हुआ है, ए अपने कितना दिया है -3, 4, और बी कितना दिया है 2, 1, तो जो सी निकालेंगे कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले ऊपर वाला हमेशा होता है एम, नीचे वाला होता है एन, तो अपने फॉर्मूले में एम और एन की वैल्यू है, बचा एक्स टू और एक्स वन, तो सिंपल इसको मानता हूं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। ओके, डाल दे फॉर्मूले में एम की वैल्यू कितनी है 2 इनटू x2, x2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 इनटू x1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 1, बताओ कितना कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, 2 इनटू 1 कितना होता है 2
वन इंटू माइनस थ्री कितना होता है माइनस थ्री, टू माइनस थ्री कितना होगा आप लोग का माइनस वन अपॉन थ्री, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट है। सॉरी जब मैंने इसमें गड़बड़ की आपको ऑप्शन देने में, ये आप लोग को प्लस नहीं है ये माइनस माइनस नहीं है, ओके सॉरी ये गड़बड़। ये क्या है तुम्हारा देखो टू इंटू वन टू और ये कितना हुआ माइनस थ्री, तुम्हारा आंसर कितना होगा माइनस वन अपॉन थ्री। तो सिंपल डायरेक्ट और कोई एक्स कोऑर्डिनेट है क्या वन बाय थ्री वाला, नहीं तो आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं तुम्हारा आंसर, ओके इतना कॉपी कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, ओके ये क्वेश्चन आप लोग का स्टेट लाइन चैप्टर का है, ये आप लोग को सॉरी डिटरमिनेंट चैप्टर का है, ये आप लोग को था 11th स्टैंडर्ड में। इफ द पॉइंट्स a0 0b एंड 11 तीन पॉइंट दिए आपको, a0 0b और 11 ये कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब क्या होता है एक लाइन में, ये तो पता होगा आपको तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तब बताओ इन चारों में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अब सबसे पहले 11th डिटरमिनेंट चैप्टर आपने पढ़ा था उसकी लास्ट एक्सरसाइज में चैप्टर क्वेश्चन था, आपको डायरेक्ट आंसर पता होगा इसका आंसर क्या है, अगर आपने थोड़ी पढ़ाई की होगी आपको सॉल्व करने की जरूरत थी। तो इसका क्वेश्चन आते हैं दो क्वेश्चन जिसको आप डायरेक्ट उतरा सकते हो, इसका आंसर सी वाला है, फिर मैं करके दिखाता हूं, ओके। तो सबसे पहले आप याद रखो कभी भी अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर है ओके, तो वहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, मतलब तीन पॉइंट जैसे मैं बोलूं ए बी और सी तीन पॉइंट कोलिनियर है, यानी मैं लिख सकता हूं वहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा जीरो, भी अगर ट्रायंगल कोलिनियर एक लाइन में आ गए सॉरी पॉइंट एक लाइन में आ गए तो ट्रायंगल बनेगा, ओके ये आप सीख चुके ऑलरेडी लोअर स्टैंडर्ड्स में। तो ये प्रॉपर्टी यहां यूज करेंगे, यहां पर कोलिनियर दिया है हमको, ओके यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना होगा जीरो, कोलिनियर होता है। अब ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला पता होगा आप लोग को, हाफ इनटू क्या एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वाई वन वाई टू वाई थ्री वन वन वन, इधर आ जाएगा वैल्यू कितना दिया है जीरो, ओके अब डाल दो वैल्यू, चलो डालते हैं वैल्यू यहाँ पर, यहाँ पर सामने क्या है हाफ डिटरमिनेंट के अंदर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, देखो ये तुम्हारा एक्स वन हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्स टू हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्स थ्री हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा ए जीरो वन, सिमिलरली वाई वाले के लिए जीरो बी वन, लास्ट में क्या है वन 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 इक्वल टू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई ये स्टेप करेंगे जल्दी ध्यान डाल दो। अब देखो टू डिवाइड है अपॉन टू तो डिवाइड हुआ, वहां जाके जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो बन जाएगा, तो वहां पर सिर्फ और क्या बचेगा जीरो। अब यहां से क्या बचा वन, वन की वैल्यू नहीं होगी, वन चला जाता है, सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने आता है पहले ए लेंगे, ये गया आता होगा बी इंटू वन क्या होगा बी माइनस वन इंटू वन कितना होगा वन, बीच में माइनस जीरो सॉल्व करते नहीं है प्लस वन, इसको लिया मैंने जीरो इंटू वन कितना हुआ जीरो माइनस वन इंटू कितना हुआ बी बराबर कितना हुआ जीरो, आपको एरिया कितना दिया है जीरो। ये मैंने इसे जल्दी में सॉल्व किया कि आप अगर जेडब्ल्यू मेन सी भी दे रहे हो तो आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता तो थोड़ी दिक्कत है जाकर डिटरमिनेंट सीख लो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं ए इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए इंटू वन क्या हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या है देखो जीरो के बाहर में वन बचा, वन इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर जीरो, माइनस उधर ए तो क्या बच जाएगा ए बी माइनस ए का तो प्लस माइनस बी का तो प्लस, ओके okay? देखो मुझे एक तरफ आप सब ऑप्शन में देख सकते हो, दूसरी तरफ मेरे को क्या चाहिए वन चाहिए, सारा ऑप्शन देख सकते हो यानी एक तरफ ये दिख रहा है इस तरफ वन बनाओ, वन बनाओ कैसे बनाओगे ए बी से डिवाइड कर दो, इस तरफ डिवाइड कर दो उस तरफ डिवाइड कर दो, मैं उल्टा लिख रहा हूं, पहले लिखता हूं ए के नीचे किसका डिवाइड किया ए बी, बी के नीचे किसका डिवाइड किया ए बी, और यहां ए बी के नीचे किसका डिवाइड किया ए बी, ए बी ए बी कट ए के ए के कट ए बी ए बी कट, बचा क्या देखो 1 अपॉन बी 1 अपॉन ए इज इक्वल टू कितना है, ओके तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको याद रहेगा थोड़ा सॉल्व किया होगा आपने, ओके तो हमारा ऑप्शन कौन सा है सी, कॉपी कर लेना। तो सिमिलर क्वेश्चन देख सकते हो पिछले वाले से रिलेटेड क्वेश्चन है, ओके इसके इसके बाद दिया हुआ क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके हमको ट्रायंगल का एरिया निकालना है फॉर्म ऑफ द पॉइंट्स, अभी तीन पॉइंट दिख रहे हैं आपको ये फर्स्ट पॉइंट है सेकंड पॉइंट और ये और थर्ड पॉइंट, तीनों पॉइंट मिलकर क्या बना रहा है क्या क्या बना ट्रायंगल बना रहा है, बोलो उनका एरिया क्या होगा, सिंपल बात है आई ने बताया आपको फार्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, ओके फार्मूला क्या होता है हाफ इनटू x1 x2 x3 कॉमा सॉरी नीचे y1 y2 y3 लास्ट में 1 1 1 डायरेक्ट में करता हूं देखो x1 x2 x3 ये x1 ये x2 ये x3 इधर आ जाएगा a b c नीचे y1 y2 y3 देखो y1 है ये y2 है ये y3 है चलिए देखो थोड़ा बड़े लिखता हूँ ज्यादा कम पड़ेगा y1 क्या है b plus c
y2 क्या है c plus a, y3 क्या है a plus b, लास्ट में आता है 1 1 1, ओके। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने का, डायरेक्ट प्रूव करने का, ओके। अब क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया है, सबसे पहली बात तो, अब कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे, पूरा डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हो आप लोग, माइनस करते हो प्लस करते हो, ये लो लेते हो, वो लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट काम करो। अब देख सकते हो यहां पर b plus c है, a नहीं है, तो a नहीं तो ऊपर दिया होगा, यहां पर a और c है, b नहीं है, b ऊपर दिया होगा, यहां पर a और b है, c नहीं है, तो ऊपर दिया होगा, तो जो चीज यहां नहीं बस ऊपर दिया हुआ है। सिंपल एक काम करो, सेकेंड रो को फर्स्ट रो से प्लस कर दो ताकि सब जगह ए बी सी हो जाए। देखो मैं करता हूं R2 प्लस R1, आप ऐसे देखो कैसे करता हूं, मैं इस रो को इस रो से प्लस करता हूं, तो पहला रो तो सेम ही रहेगा, ए बी सी, ए बी, ओके, क्योंकि हम R2 को R1 से प्लस कर रहे हैं। बी प्लस सी अगर ए से प्लस हुआ तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस है बी से प्लस होगा, सेम ही आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट में है वन। अब आप देख सकते हो सेकंड रो में देखो कॉमन एलिमेंट है, देखो कॉमन निकल रहा है सेकंड एलिमेंट सेकंड रो में से, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, मैं काम करता हूं हाफ एज इट इज, सेकंड रो में से कॉमन निकालता हूं ए प्लस बी प्लस सी, ओके, लेवल में सिखाया आपने प्रॉपर्टीज में, किसी एक हो गया किसी एक कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हैं। अब कॉमन निकालने के बाद क्या बचा, देखो पहला बार हो तो ऐसे ही कुछ ही किया हमने ए बी सी, सेकंड रो क्या बन जाएगा ये 1 1 1 तो चला गया ना 1 1 1, थर्ड रो भी क्या है 1 1 1। अब आप देख सकते हो जो डिटरमिनेंट आया, ये छोड़ दो इसको भूल जाओ, जो डिटरमिनेंट आया इसमें सेकंड रो और थर्ड रो देखो सेम है, सेकंड रो में 1 1 1 है और थर्ड रो में 1 1 1 है, और आपने प्रॉपर्टी सिखा है हमने किसी भी रो में कोई भी मैं डिटरमिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर सेम आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो, यानी ये वैल्यू हो जाएगी हाफ इनटू ए प्लस बी प्लस सी, पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, और मल्टीप्लाई करोगे जीरो आया, तो कौन सा ऑप्शन, टी ऑप्शन। ये आपको यहां देख के समझ जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्या समझ जाएगा, हमको पता है इसको इससे प्लस करेंगे सब जगह ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकालेंगे सेम होगा जीरो, आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये तो दिखाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड, कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे, थैंक यू वेरी मच।